कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय मुख्य संरक्षक एवं कार्यकारी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधिक सेवाएं प्राधिकरण धर्मचंद चौधरी ने ग्राम पंचायत दड़ुही के तहत गांव मटानी में 3.5 करोड़ की लागत से नवनिर्मित 5 मंजिला ADR केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राजकीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सौजन्य से जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण हमीरपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि इस केंद्र की सुविधा से अब लोगों को विभिन्न तरह की मामलों की मध्यस्थता से निपटने में भी सुविधा प्राप्त होगी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय मुख्य संरक्षक एवं कार्यकारी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधिक सेवाएं प्राधिकरण धर्मचंद चौधरी ने ग्राम पंचायत दुहड़ी के गांव मटाहणी में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित 5 मंजिला ADR केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सौजन्य से जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण हमीरपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस केंद्र की सुविधा से अब लोगों के विभिन्न तरह के मामलों को मध्यस्थता से निपटने की सुविधा मिलेगी। इससे पहले जिला हमीरपुर में ये सुविधा नहीं थी। इससे लोगों को त्वरित व सस्ता न्याय मिलेगा और धन तथा समय दोनों की बचत होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष कुल 1086 विभिन्न प्रकार के मामले ADR में प्राप्त हुए, जिसमें से 181 का निपटारा किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 11 ADR केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से 7 केंद्र बनाए जा चुके हैं तथा 4 अन्य केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा प्रदेश में नए कोर्ट खोलने के लिए भी प्रदेश सरकार में मामला उठाया गया है। 2 अक्टूबर से प्रदेश में 3 नए कोर्ट केवल महिलाओं की सुविधा के लिए खोले जा रहे हैं, जहां पर महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों का ही निपटारा किया जाएगा। लोगों का न्याय प्रणाली में अधिक विश्वास बना रहे, इसके लिए वे प्रयासरत हैं। ADR केंद्रों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य लोगों को त्वरित व सस्ता न्याय दिलाना है, ताकि कोई भी न्याय से वंचित ना रहे। इस अवसर पर बीरेंद्र सिंह रजिस्ट्रार जनरल हिमाचल उच्च न्यायालय, यशवंत सिंह चौगल प्रधान सचिव कानून, प्रेम पाल रांटा सदस्य सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश केथला तथा जिला बार एसोसिएशन के प्रधान नरेश जसवाल ने विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अंतर्गत विभिन्न कानूनी पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण गौरव महाजन, असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया राजेश शर्मा, सुभाष चंद्र ACJM, उपायुक्त हरिकेश मीणा, SP अरिजीत सिंह ठाकुर के अतिरिक्त अन्य न्यायिक अधिकारी तथा अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। To the people of Hamirpur district today, this ADR center, it was envisaged in the year 2013 after amendment and incorporation of section 89 in the Code of Civil Procedure, and the trust to decide the disputes by way of ADR mechanism, alternative dispute resolution mechanism, the necessity of the ADR center, it was held. The Government of India, 13th Finance Commission has given funds for construction of the ADR centers throughout the country, and in Himachal also the funds were provided. It was 1 crore for each ADR center. कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।